हेलो दोस्तों, मैं हूँ शेफ भरत और आप सभी कुकिंग चैनल वालों का स्वागत है। जैसे आप सभी को पता है कि सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो चुका है, तो आज के वीडियो में आपको टॉप 5 सर्दियों की ट्रेंडिंग या वायरल रेसिपीज के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप ये रेसिपीज को थोड़ा यूनिक तरीके से बना के अपने कुकिंग चैनल पे अपलोड करोगे तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएगा कि आपको वो वीडियो वायरल हो जाए या उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज और सब्सक्राइबर मिले आपको। इवन मैं खुद अपने चैनल पर ये सारी रेसिपीज अपलोड करने वाला हूँ बहुत ही जल्दी। तो चलो टॉप 5 सर्दियों की ट्रेंडिंग रेसिपीज के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट रेसिपी का टॉपिक है जो हर कोई सर्दी में इंतजार करता है रेसिपी बनाने का, वो है गाजर का हलवा। अगर आप ये रेसिपीज को थोड़ा यूनिक तरीके से बना के अपलोड करोगे तो आपका वीडियो वायरल होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, सेकंड रेसिपी का टॉपिक सूप से रिलेटेड है। जैसे आप सभी को पता होगा कि इंडिया का सबसे मनपसंद सूप कौन सा है, मंचाव सूप। आप इसमें थोड़ा यूनिकनेस डाल सकते हो अपना, जैसे कि वेजिटेबल थोड़ा ऐड कर सकते हो, हेल्दी वेजिटेबल्स, पनीर ऐड कर सकते हो, चिकन ऐड कर सकते हो, जिससे कि अगर ये गर्मा गर्म सूप पीने से आपकी सर्दी चली जाएगी एकदम। इवन आप हेल्दी सूप भी बना सकते हो। तो दोस्तों, जिस तरीके से सर्दियों में सूप पीना ज्यादा पसंद करते हैं, उसी तरीके से हॉट चॉकलेट, हॉट कॉफी भी ज्यादा ट्रेंड करती है सर्दियों के टाइम में। तो आप इस तरीके की रेसिपीज भी बना सकते हैं, आपका वीडियो जरूर वायरल होगा। तो दोस्तों, फोर्थ सर्दियों की ट्रेंडिंग रेसिपी के बारे में बात करते हैं। आपको गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट में या नाश्ते में पराठों की रेसिपी डालनी चाहिए। जो वेजिटेबल सर्दियों में अवेलेबल होते हैं उसके ऊपर, जैसे कि मूली के पराठे, पालक के पराठे, बीटरूट के या फिर फूलगोभी के पराठे। आप खुद सोच लो, अगर सर्दियों में सुबह सुबह पराठे खाने मिल जाए तो कितना अच्छा लगता है। आपको अपने व्यूअर का माइंडसेट सोच के रेसिपी बनानी चाहिए, डेफिनेटली आपका वीडियो वो वायरल जरूर होगा। तो फिफ्थ ट्रेंडिंग ही नहीं, सर्दियों में जो बचपन में खाते थे ना अपन, उसके ऊपर भी रेसिपी बनानी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, पीनट की चिक्की। चिक्की तो आपने बहुत खाया होगा, नाम भी सुना ही होगा ना, उसकी भी एक रेसिपी आपको जरूर बतानी चाहिए। या फिर आप उसके सिमिलर कुछ यूनिक करके भी बना दो और अपने कुकिंग चैनल पे अपलोड कर दो, आपका वीडियो पे व्यूज ज्यादा से ज्यादा आएंगे। दोस्तों रुक जाओ, वीडियो खत्म नहीं हुआ है, लास्ट में आपको एक सीक्रेट टिप भी देता हूँ। तो दोस्तों, बस आपको गूगल पे जाके ये सर्च कर लेना कि सर्दियों में कौन सी वेजिटेबल्स ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल होती है, उस वेजिटेबल पे आपको वीडियो बनाना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, पालक अवेलेबल होता है सर्दियों में ज्यादा, ग्रीन पीस अवेलेबल होता है, बीटरूट अवेलेबल होता है, शकरकंद अवेलेबल होता है, मूली अवेलेबल होती है। आपका वीडियो जरूर वायरल होगा या उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा व्यूज आ जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो से आपको थोड़ी भी नॉलेज मिली होगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। अगर आपको इसी तरीके के कुकिंग चैनल के रिलेटेड नॉलेज मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ में। टेक केयर, बाय बाय, सही हो नारा।